संदीप जी, देखिए एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर डेटा में जाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो आपको तरह तरह के आंकड़े मिलेंगे और उस आंकड़े की जैसे जादूगरी में हम लोग फंसते जाएंगे। लेकिन वास्तविक बात तो ये है, जब धरातल पे आप भी जाते हैं और हम लोग भी जाते हैं तो महंगाई भी दिखाई पड़ता है और बेरोजगारी भी दिखाई पड़ रहा है और जो आर्थिक विषमता है वो भी दिखाई पड़ रहा है। अब जहां तक कैलेंडर ईयर 2022 में ही आप देखें, अगर मेरे आंकड़े को आप सही करेंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपके पास सही आंकड़ा होता है, कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज का जो इंडियन रुपीज में जो गिरावट आया है लगभग 10% के आसपास आया है। जब इंडियन रुपीज में गिरावट आएगा तो स्वाभाविक है उसका इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, इंपोर्ट आपका महंगा पड़ेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी भारतवासियों पे उसका असर जैसो पड़ता है। इसमें कहीं किसी से एक सिंपल इकोनॉमिक्स का जैसो फंडा है ये। तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, मैं तो कह सकता हूं कि ठीक है, अन्य जितने भी जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में भी कहा जाए यह भी जैसे उचित नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जफर भाई तो खैर बैंकर भी रहे हैं और इंडस्ट्री से भी जुड़े, मैं भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, स्टार्टअप्स की बात करते हैं। जफर भाई, आपको पता होगा या आंकड़ा होगा, पिछले 4 महीने में या 3 महीने में सिर्फ इंडियन स्टार्टअप्स कंसेप्ट में और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में 18,000 लोगों को निकाला गया है। 18,000, संदीप जी आप क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है, सारी रिपोर्ट है, पब्लिक डोमेन में है। अब उसके पीछे कारण क्या दिया? कारण ये दिया कि पहला कारण था कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिसके कारण जो है स्टार्टअप्स की इंडिया में स्थिति जैसे ये हो गई है। अब वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आप देखिए, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट तो प्रमाणिक रिपोर्ट है, वो कोई प्रोजेक्शन करता है तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को तो सब मानते हैं, प्रोजेक्शन को सब मानते हैं। जो 2022 फाइनेंशियल ईयर में कितना था आपका? 6.9% जीडीपी था। जो 2024 के लिए प्रोजेक्शन कितना आया? 5.5% आया। यानी आपका जीडीपी भी गिर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल फैक्टर है, रसिया यूक्रेन ये तो सब जानता है, लेकिन हमारी जो रुपये का जो लगातार गिरावट आ रहा है उसको मजबूत करने के लिए सरकार चाह के भी नहीं कर पा रही नहीं है। इसमें मजाक, देश की अर्थव्यवस्था पर गर्व, मखौल और तंज, इनका पुट ज्यादा क्यों होता है? सीधी सीधी सार्थक चर्चा क्यों नहीं होती? जब सरकार के पास तर्क नहीं होते हैं और तर्क के माध्यम से सरकार नहीं जनता को समझा सकती, क्योंकि जैसे जब उनको पता है कि वास्तविक स्थिति क्या, तभी तो मैं बोला ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ठीक है, दिखाई पड़ता है। अर्थशास्त्रियों की बारी, प्रोफेसर।